नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिगड़ते जा रहे संबंधों के बीच रिश्ते सुधारने की पहल भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान का एक शिष्टमंडल प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लेकर पाकिस्तान की आशंकाओं को दूर करने के लक्ष्य से हाल ही में पाकिस्तान के एक गुपचुप दौरे पर गया था। इस शिष्टमंडल में खुफिया विभाग और सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। पाकिस्तानी समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, काबुल में तालिबान प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है कि खुफिया महानिदेशालय यानी GDI के प्रमुख अब्दुल्ला गजनवी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल TTP और पाकिस्तान को खतरे के संबंध में बात करने इस्लामाबाद आया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेतृत्व में पिछले महीने एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल काबुल भी गया था और उस दौरान भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि पाकिस्तान का शिष्टमंडल उन कदमों से असंतुष्ट था और उसने ठोस कार्रवाई की मांग की थी। पाकिस्तान ने TTP नेताओं के ठिकानों सहित अन्य साक्षियों के साथ अफगान तालिबान के समक्ष अपनी शिकायत रखी थी। अखबार के अनुसार इस्लामाबाद दौरे पर आए अफगान शिष्टमंडल ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा हालात तथा TTP और उससे जुड़े लोगों के भविष्य पर चर्चा की। काबुल में इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि तालिबान के खुफिया विभाग के सदस्यों सहित कुल 10 सदस्यीय शिष्टमंडल पिछले सप्ताह इस्लामाबाद आया था। सूत्रों ने बताया है कि GDI अधिकारी मोहम्मद वर्दाक ने शिष्टमंडल की मदद की। शिष्टमंडल काबुल से यह संदेश देने आया था कि पाकिस्तान की चिंताओं को दूर किया जाएगा। हालांकि इस यात्रा का क्या नतीजा रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि यात्रा को लेकर दोनों पक्ष मौन हैं। इस्लामाबाद में सूत्रों का कहना है कि मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने मीडिया की नज़रों से दूर इस पर चर्चा करने का फैसला किया। काबुल में सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर कुछ प्रगति की है, लेकिन वह मीडिया को बयान देने का अधिकार नहीं रखते हैं। हम आपको बता दें कि TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के गले की फांस बन गया है। हम आपको यह भी बता दें कि तालिबान को अफगानिस्तान की बागडोर संभाले हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अभी तक सुलझा नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो दूसरी ओर तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है। हम आपको याद दिला दें कि साल 2022 में अफगान पाक सीमा पर शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि पाकिस्तान का जीना उन्हीं तालिबानियों ने मुहाल कर दिया जिन्हें धन और गन देकर पाकिस्तान ने पाला था। इस विवाद का बड़ा कारण डूरंड रेखा को माना गया। अफगान तालिबान सीमा पर यथास्थिति में किसी भी एकतरफा बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उधर पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में TTP ने जून 2022 में पाकिस्तान सरकार के साथ हुए अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते को रद्द कर दिया था और अपने आतंकवादियों को सुरक्षा बलों पर हमले करने का हुक्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि TTP के अलकायदा से करीबी संबंध है। उसने धमकी दी थी कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाना जारी रखता है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की PMLN और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि हाल में प्रतिबंधित संगठन TTP के प्रमुख ने कहा था कि उनका संगठन पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के लिए अब भी तैयार है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार ने TTP के बदले रुख के बावजूद अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है, क्योंकि उसे लगता है कि तालिबानी उसके साथ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में TTP कौन सा रास्ता अख्तियार करता है और क्या अफगान पाक सीमा पर हालात शांतिपूर्ण हो पाते हैं। वैसे तालिबान ने पिछले साल के अंत में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण वाली चर्चित तस्वीर ट्वीट करके पाकिस्तान को संदेश दे ही दिया था कि यदि उसने हिमाकत की तो 1971 को अफगानिस्तान भी दोहराएगा। इस बीच पाकिस्तान में आतंकियों के हमले जारी हैं। ISI के एक वरिष्ठ अधिकारी और उनके ड्राइवर की मंगलवार रात एक आतंकवादी हमले में मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उनके वाहन पर घात लगाकर हमला किया। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि दक्षिण वजीरिस्तान में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की मौत हो गई। सेना के अनुसार इस दौरान दोनों पक्षों की मुठभेड़ भी हुई, जिसमें ब्रिगेडियर की टीम के 7 सदस्य घायल हो गए। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रभाग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि अभियान के दौरान गोलीबारी में फंसे 2 बच्चों की भी मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि मारे गए आतंकवादियों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।